आलू को पापड़ हम डीप फ्राई कर लिए, और आलू का पापड़ खाने में बहुत टेस्टी होता है, बिल्कुल कुरकुरा है। रुको, हम आपको आवाज़ सुना रहे हैं, ये देखो बिल्कुल कुरकुरा है। वैष्णवी जी लाइफ में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? मैं पूरी उम्मीद कर रही हूँ आप अपने फैमिली के साथ खुश और स्वस्थ होंगे। आज मैं आप सबके लिए आलू के पापड़ बनाऊंगी। घर में बैठकर कुछ ना कुछ खाने का मन करता है, और आजकल के गर्मी जो है, गर्मी में दोपहर ही बहुत बड़ी होती है, तो कुछ हल्का फुल्का खाने का मन करता है, हरदम खाना ही खाने का मन नहीं करता है। बच्चे और घर में परेशान हो जाते हैं बैठकर। उसके लिए मैं पापड़ बनाऊंगी। मैं आलू ले ली हूँ, लगभग मेरी 1 किलो आलू होगी। तो इसको हम पहले अच्छी तरह से धोकर कुकर में उबाल कर छील लिए और ठंडा कर लिए। अब इसको हम इससे कद्दूकस कर लेंगे, इस तरह से, इस तरह से इसे हम घिस लेंगे। आप देख पा रहे हैं आलू को घिस ले रहे हैं इसे। आलू हम कद्दूकस कर लिए, इसको तो हम कद्दूकस कर लिए। ये 1 किलो आलू थी, या एक आध ज़्यादा ही रही होगी, और आधा किलो हम और अलग से ले लिए हैं। अगर आप चाहें तो इस तरह भरता की तरह आलू को मसल ले बढ़िया से, जैसे भरता बनाते हो या चोखा जो बोलते हो, ऐसे मसल लें। और थोड़ा बहुत जो दरदरा रह जाता है, अगर आपके पास कद्दूकस की व्यवस्था ना हो, तो ऐसे भरता की तरह मसल कर और सील पे रख लें। सील अच्छी तरह से धो लें, साफ कर लें, सफाई की ज़्यादा ध्यान दें। और सील बट्टे पर आप, इसे लोढ़ा भी बोलते हैं, जो भी बोलते हो, हमारे यहाँ लोढ़ा बोलते हैं इसको, ऐसे ऐसे मसल लें, इस तरह से, ये बिल्कुल बारीक हो जाता है ऐसे। आपके पास जैसे सुविधा हो वैसे कर लें। हम और रख ले रहे हैं, इसी तरह से पीस लेंगे। मुझे सिल यहाँ रखकर थोड़ा सा पीसने में दिक्कत हो रही है, और आप कहीं अच्छी जगह एकदम सिल को स्थिर रख लें और ऐसे पीस लें। कद्दूकस की ये आलू है, इसमें हम आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, और 1 चम्मच नमक डाल दे रहे हैं। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें। एक करी पत्ता है, बारीक काट के डाल दे रहे हैं। जब ये डीप फ्राई करेंगे ना, तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप हरी धनिया भी काट के डाल सकते हैं। इसे हम मिला लेंगे, मसाले हम इसमें मिक्स कर लिए, इस कटोरी में रख ले रहे हैं। हाथ में थोड़ा तेल लगाएंगे, इसका हम रोटी के जैसे, ऐसे जैसे रोटी की लोई बनाते हैं, उस तरह से बना बना के हम पहले रख ले रहे हैं। दो बना लिए, बाकी के जितना है ऐसे ही बना लेंगे। आलू की लोई बना लिए हम। अब इधर एक चकला लेंगे, एक पॉलीथीन फैलाएंगे। आप ऐसे एक सीट ले सकते हैं, आपके घर में कोई भी हो जिसमें कपड़े वगैरह आते हैं, कैसे भी मिल जाए। ये नीचे बिछाएंगे, इसके ऊपर एक बिछाएंगे, इसमें भी लगा ले रहे हैं थोड़ा सा तेल। कोई भी कुकिंग ऑयल आप लगा सकते हैं। एक पॉलीथीन यहाँ बिछा लिए हैं, जिसपे हम पापड़ रख देंगे 2-4 पीस इसके। बाकी हम छत पे ले जाएंगे, डालेंगे। थोड़ा सा इसमें भी हम तेल लगा ले रहे हैं। एक लोई ले लिए हैं, इसमें सीट पे तेल लगाए हैं, और इसमें भी तेल लगा हुआ है, इसमें भी लगा है। थोड़ा सा प्रेस करेंगे हाथ से। फिर एक प्लेट लेंगे, आप प्लेट लें, थाली लें, जैसे करें, बस इसको थोड़ा सा ऐसे दबाना है। ये देखो, और पतला करना चाहते हैं थोड़ा सा, और प्रेशर दे दें, और बड़ा हो गया। अगर कहीं साइड से मोटा पतला आपको लग रहा है, तो आप उंगली से कर सकते हैं, क्योंकि ये आलू का जो डो है बिल्कुल नरम है, जिधर आप चाहेंगे उधर ही फैल जाएगा। ऐसे फैला लें। इसको हम निकाल ले रहे हैं, इस सीट पे डाल देंगे। थोड़ा सा हाथ से प्रेशर दें ताकि इस पन्नी में चिपक जाए। ये देखो, आसानी से निकल गया। एक आध और बना के आपको हम दिखा दे रहे हैं।
इस तरह से आप बेलन से भी कर सकते हैं और अपने उंगली के सहारे से ऐसे फैला दें। थोड़ा सा गोला सही नहीं आया, अगर बनाएंगे दो तीन तो आ जाएगा। इसको भी हम साइड में डाल दे रहे हैं, ऐसे थोड़ा सा दबाएं ताकि नीचे का पन्नी चिपक जाए ऊपर का खुल जाए। हम बना ले रहे हैं इससे प्लेट से थोड़ा जल्दी होता है। इसको हम प्लेट से बना लिए, अभी हम आपको दिखाएं ऐसे प्रेस करके। इसी तरह से जितना पापड़ है हम बना लेंगे और दो चार पीस आपको हम दिखा दिए। अब थोड़ा धूप में डालेंगे, यहाँ जगह कम है और आजकल धूप बहुत कड़ी होती है, तेज होती है, शाम तक सूख जाएगा। दूसरे दिन हल्का सा सुखा के इसे आप डीप फ्राई कर लें। आलू का पापड़ हमारा सूख गया एकदम, एक दिन पूरा और दोपहर तक सुखाए थे, 1.5 दिन, बहुत अच्छा सूखा है, बढ़िया बना है पतला। इसे हम अब डीप फ्राई करेंगे। तेल गरम हो गया, कुछ पापड़ हम तल ले रहे हैं। तेल थोड़ा ज़्यादा गरम रहना चाहिए, नहीं तो पापड़ फूलता नहीं है। और इसे जल्दी से फूलते ही तुरंत निकाल लेना है, नहीं ज़्यादा सिक जाएगा। फिर निकाल ले रहे हैं, तेल अच्छा गरम रहेगा तो पापड़ अच्छा फूलेगा, और फूलते ही निकाल लेना है। इसी तरह से हम कुछ पापड़ तल ले रहे हैं। ये भी फूल गया, पक भी गया। किनारे पर करके एक्स्ट्रा तेल निकाल देंगे। आलू का पापड़ हम डीप फ्राई कर लिए और आलू का पापड़ खाने में बहुत टेस्टी होता है, बिल्कुल कुरकुरा है। रुको, हम आपको आवाज़ सुना रहे हैं, देखो बिल्कुल कुरकुरा है। इस तरह से आप एक बार ज़रूर बनाएं। और जो पापड़ बचा है नहीं तलें, उसे किसी टाइट कंटेनर में रख देंगे तो कई महीनों तक चलेगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो अपना अनुभव हमारे साथ ज़रूर शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। मेरी आप सबसे अपील है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन बटन दबा लेंगे तो मैं कोई नई रेसिपी डालूंगी आप तक आसानी से पहुंच जाएगी।